I'm Richa Mehrotra and welcome to my Richa Rich Kitchen and Lifestyle. आज मैं आप लोग के सामने व्रत की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है साबुदाने की खिचड़ी. कई लोग उसे साबुदाने की तहरी भी बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं. एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे. कढ़ाई को मैंने यहाँ पहले से ही गर्म करके रखा है. अब इसमें मैं 2 से 3 महीन कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी. ये ध्यान रखें कि तेल गर्म होना चाहिए. 1 टेबल स्पून जीरा, इसको भी थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके इसको हम अच्छे से चटका लेंगे. अब इसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए डाले हैं. इन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था. अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके धीमी और तेज़ आंच पे करके हम इन्हें भूनेंगे. बहुत ज़्यादा हमें इसे एकदम भूनना नहीं है. इसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डालूँ कि ये व्रत की खिचड़ी है. ऐसे आप इसमें अगर नॉर्मल डेज में बनाएं तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं. नमक डालने से पहले से अच्छे से भून जाता है, टमाटर गल जाता है. इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च डाली है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी 2-3 डाली थी. इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है. यहाँ पे मैंने ये साबुदाना होल नाइट भिगो के रखा था और देखिए एकदम अलग अलग है. और साबुदाने को मैंने ऐसे भिगोया था कि जैसे इस बाउल में जितना साबुदाना है बस उसके लेवल तक पानी होना चाहिए. और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, साबुदाना भिगोने से पहले 6 से 7 पानी से अच्छे से अच्छे से हाथ से रगड़ के करके धो लें जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए. इसमें मैंने 2 उबले आलू मीडियम साइज़ के कटे हुए डाले हैं. अब मैं इसमें अंदाज से नमक डाल रही हूँ, लगभग 1.5 बड़े चम्मच, क्योंकि सेंधा नमक कम नमकीन होता है बनिस्बत सादा नमक ज़्यादा अच्छे से नमक होता है उसमें. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम. देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं इसके एक एक दाने, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है. कई लोगों के यहाँ व्रत में टमाटर यूज़ नहीं होता है तो आप उसे यूज़ ना करें. अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी. अब यहाँ मैंने ढक्कन हटा दिया है और आधा नींबू इसमें मैं निचोड़ रही हूँ. आप इसे अपने स्वाद के हिसाब से आधे से ज़्यादा भी नींबू निचोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये मेरे लिए सफिशिएंट है. अब यहाँ मैं इसे धनिया से गार्निश कर दूंगी. धनिए का स्वाद और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इससे हर चीज़ में बढ़ जाता है. अब इसे हल्के हाथ से हम मिक्स कर देंगे. ये देखिए बिल्कुल खिला खिला बना है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा व्रत में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और इससे बहुत देर तक पेट भरा रहता है. अब बाकी बचा धनिया भी मैं इसमें डाल दूंगी. साबुदाने की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप न्यू हैं तो मेरे वीडियो के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. इसे शेयर करें और लाइक करें.